इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। आज किसान एहतजाज को अलग तरीके से जिक्र करना जरूरी है। क्या वाकई किसानों से हुकूमत डर गई है? क्या हुकूमत का यह रवैया ठीक है कि भारत के अंदर ही दुश्मन मुल्क की तरह फलस्तीन इसराइल बॉर्डर की तरह कांटों की तारों की और लोहे की दीवारों को खड़ा किया जा रहा है? कई जगहों पर तो अपने मुल्क के शहर की सड़कों को ही जेसीबी के जरिए खोदकर बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं। अब तो पानी के टैंकरों को आने पर भी रोक लगा दी जाए। वक्ती तौर पर बनाए गए बैतुल खला यानी कि टॉयलेट्स को भी हटाया जा रहा है। इसके बावजूद किसान बड़े ही पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखे हुए। वैसे तो 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली में हुए तशद्दुद के बाद तमाम गोदी मीडिया खलस्तानी पाकिस्तानी न जाने क्या क्या लकब से नवाज कर किसान एहतजाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, पर उल्टा दीप सिंह सिद्धू के जरिए एहतजाज में किस तरह संगी लोग घुसकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की हकीकत सामने आ गई। वैसे भी भारत में अब कोई भी मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है तो इस एहतजाज के खिलाफ पूरे देश को खड़ा करने का तरीका मोदी हुकूमत या मोदी भक्तों ने ढूंढ निकाला है। CNRC के वक्त भी इसी तरह देशद्रोही कहकर मरकजी कायद अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को तक कहा गया। उस वक्त भी इसी तरह पाकिस्तानी देशद्रोही और दिगर अलकाब से नवाजा गया था। एक बार फिर किसान एहतजाज के जरिए पूरे भारत में नैरेटिव गोदी मीडिया के जरिए चला जा रहा है कि किसान देश को परेशान कर रहे हैं, देश के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि किसान पूरे मुल्क के नहीं है, ये सिर्फ पंजाब या कुछ यूपी के हैं, यानी किसान कानून से सिर्फ पंजाब के किसानों को ही मुश्किलें हो रही है। जबकि हकीकत यह है कि भारत के तकरीबन रियासतों में एहतजाज जारी है और दिल्ली के इस एहतजाज में जो शरीक न हो सकते हैं अपनी रियासतों में मुख्तलिफ शहरों में दिल्ली के किसानों ने अपनी आवाज मिला रही है। बेलगाम शहर में भी मुख्तलिफ किसानों की तंजीमों की जानिब से एहतजाज बार बार किया गया। बेंगलोर, शिमोगा, दावणगिरी, हुबली और भी शहरों में एहतजाज कई बार देखा गया। जबकि भाजपा की हुकूमत है इसी तरह पूरे देश में मोदी हुकूमत ने मंजूर कर रहा 3 काले कानूनों की मुखालिफत में एहतजाज बार बार किए जा रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि किसान कानूनों को किसान के हित में है कहकर क्यों जबरदस्ती कानून को थोप रही है? क्यों पूरे देश में अवामी राय ली नहीं जाती? क्यों पूरे देश के किसानों से इनकी मंजूरी नहीं ली जाती? अगर अवामी राय में अक्सरियत अगर यह कहे कि किसान कानून किसानों के फायदे का है तो कानून को मंजूरी दी जाए और अगर ना मंजूर करे तो रद्द कर दिया जाए। आखिर इसे इतना तोल क्यों दिया जा रहा? पत्रकार उमिलेश ने कहा कि कश्मीरियों को तो देशद्रोही पाकिस्तानी कहा जाता था, अब तो दिल्ली और अतराब के इलाकों में इसी तरह का माहौल हुकूमत ने बनाया, अब इसे क्या कहेंगे? कहने का मतलब नुकीले किले, लोहे की तारों की दीवारें, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे खोदने का मतलब क्या? जो भी आवाज हुकूमत के खिलाफ उठेगी देशद्रोही की तरह बर्ताव किया जाएगा। तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि क्या दुश्मन मुल्क की फौज या दुश्मन मुल्क हमलावर होने वाला है। फलस्तीन इसराइल की सरहदों पर इस तरह के बैरिकेड्स लगाए जाने की बात बारह देखी सुनी जाती है। क्या भारत का अन्नदाता इस कदर देश विरोधी हो गया है कि इसके लिए कटीली तारों की दीवारें बनानी पड़ रही है? आखिर किससे लड़ रही है यह सरकार? हुकूमत वाजर है कि किसान मुल्क की आबादी के 60% है, तभी तो भारत को किसानों का देश कहा जाता है। क्या अब मोदी सरकार देश के अन्नदाता से ही लड़ेगी? 26 जनवरी की वारदात के बाद तमाम किसानों को उपद्रवी कहा गया, आखिर क्यों अदालत के जरिए जांच नहीं कराई जाती? 26 जनवरी की वारदात को आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? क्या छिपा इस वारदात में? आज तो अदालत ने लाल किला और किसानों के ट्रैक्टर रैली की जांच करने से ही इनकार कर दिया। भाजपा का पूरा IT सेल, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया सेल सभी किसानों को बदनाम करने में लगा हुआ और बदनामी के पीछे पड़ा हुआ, इसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। दिन ब दिन एहतजाज में इजाफा ही होता जा रहा। अब तो इस एहतजाज का जिक्र दुनिया भर में हो रहा है। किसान एहतजाज को बड़ा ही अफसोसनाक कहते हुए ग्रेटा थनबर्ग, पॉपस्टार रिहाना, अमांडा करनी और अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस की भतीजी मिना हैरिस ने भी ट्वीट करके किसानों पर जुल्म कहा। दुनिया भर में किसान एहतजाज पर मोदी हुकूमत पर तंज कसा जा रहा है। लिहाजा भारत के मुख्तलिफ फिल्मी सितारे और खिलाड़ियों ने दुनिया के मुख्तलिफ मशहूर हस्तियों भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने की बात कही। खैर इतना जरूर है कि अब किसान एहतजाज दुनिया की तवज्जो का
मरकज बनता जा रहा है। यकीनन किसान एहतजाज भारत का अंदरूनी मामला है, पर मोदी हुकूमत को भी तो सोचना जरूरी है कि खामखा क्यों इस बिल को लेकर जिद कर रही है और देश के किसानों के साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव क्यों कर रही है, क्यों बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, क्यों नोकीली तारों को बिछाया जा रहा है, क्यों सड़कों पर सीमेंट की दीवारों को खड़ा किया जा रहा है। क्या हुकूमत के गलत फैसले की मुखालफत करने से देश के 60% अन्नदाता देश विरोधी हो गया? यकीनन भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हाल ही में श्रीलंका ने भी भारत विरोधी कदम उठाया। अमेरिका में अब ट्रंप नहीं रहा, ये मोदी सरकार को सोचना होगा कि देश के अंदर हम एकता इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर रहे, कभी दलित विरोधी, कभी मुस्लिम विरोधी या किसान विरोधी कानूनों को मंजूरी देकर देश में अराजकता का माहौल बनाने की बजाय देश में खुशहाली, अमन, सुकून किस तरह बरकरार रहे इस पर तवज्जो दे। सिर्फ हुलिया संतों जैसा बनाने से कोई संत महात्मा नहीं बनता, बल्कि सभी धर्म मजहब जबानों का एहतराम करते हुए देश की उन्नति तरक्की की तरफ ले जाने के लिए इकदाम करे। आवाम को भी चाहिए कि अंधभक्ति में जो भी फैसले लिए जाए इस पर खामोश न रहे। इस बात का भी ख्याल रहे कि जब से मोदी हुकूमत आई है दुनिया भर में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बने हुए हैं। पड़ोसी मुल्क भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे नाजुक वक्त में भाईचारे मोहब्बत अमन के साथ रहने की कोशिश करें। किसान एहतजाज पर दुनिया भर में भारत का नाम लिया जा रहा है, लिहाजा जल्द से जल्द मोदी हुकूमत किसान कानूनों को रद्द कर इस एहतजाज को हमेशा के लिए खत्म करे, ताकि किसी को भारत पर ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े। अब अहम खबरों पर एक नजर। उमूमन पुलिस इंतजामिया से आवाम दूर रहना ही पसंद करती है। अक्सर बड़े लोगों से ये भी सुना करते थे कि पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, पर वक्त के चलते कुछ तब्दीलियां पुलिस महकमा में देखने को मिल रही है। डीसीपी विक्रम आमटे की जानिब से ऐलान किया गया था कि शाम 4 बजे से 6 बजे तक जनसंपर्क सभा यानी अवामी राब्ते के तौर पर जोड़ा गया था, जिसमें अवाम की जानिब से परेशानी मुश्किलात को इंतजामिया के सामने रखा जा सके। वैसे देखा जाए तो ये एक बेहतर इकदाम कह सकते हैं कि अक्सर तजुर्बा यह रहता है कि पुलिस थानों में कांस्टेबलों का रवैया ठीक नहीं रहता, तो इस तरह इजलासों से आवाम सीधे आला अफसरान से राबता कर सकते हैं। आज खड़े बाजार पुलिस थाने में इस अवामी इजलास में डीसीपी विक्रम आमटे ने अवाम से खिताब फरमाते हुए कहा कि अवाम की जानिब से जो भी सलाह मशवरा या परेशानियां अफसरान के सामने रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईमेल के जरिए या 112 नंबर पर कॉल करने से जो भी हादसा या शरपसंदों की हरकत की तला दे सकते हैं। कईयों ने इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार भी किया। काफी कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत फरमाई। पुलिस इंतजामिया के इस इकदाम पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर आज अदालती फैसले का इंतजार सभी को था, पर आज फैसला 2 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। बेलगाम कॉर्पोरेशन चुनाव के मद्देनजर वार्ड पुनर्रचना और रिजर्वेशन को 2018 को ही मुस्तकिल करने का फैसला लिया गया था, पर वार्ड की तामीर न और रिजर्वेशन पर सभी कॉर्पोरेटरों के साथ अवाम की जानिब से भी एतराजात दर्ज किए गए थे। लिहाजा आज जुमेरात को फैसला आना था। हुकूमत की जानिब से वार्ड को लेकर भी 15 दिन का वक्त लिया गया है। लिहाजा इसी मद्देनजर आज अदालत ने भी 2 हफ्ते के लिए फैसले को मुलतवी किया। आज के फैसले पर साबिक कारपोरेटरों के साथ ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी नजर लगाए बैठे थे। कारपोरेशन चुनाव को मुलतवी होते देख कुछ उम्मीदवार मायूस जरूर हुए हैं। शायद इन्हें कारपोरेटर बनने की जल्दबाजी ज्यादा होगी, ऐसा भी कहा जा रहा। तकरीबन 6 जिलों के नौजवानों ने फौज में दाखिल होने के लिए वीटीओ मैदान में जमा हुए थे, जिनकी तमाम सहूलियतों का इंतजाम किया गया, ऐसा DCMG रमट ने बताया। ट्रेड्समैन, क्लर्क और JD ओहदन के लिए मेघा भर्ती बुलाई गई थी, जिसके लिए सैकड़ों नौजवान वीटीओ मैदान में जमा नजर आए। DCMG रमट के हाथों हरी झंडी दिखाकर फौजी भर्ती इजलास की इफ्तिताह हुई। इस भर्ती के लिए बेलगाम के अलावा कोप्पड़, गदग, रायचूर, बीदर, गुलबर्गा से भी शरीक हुए थे। सबसे ज्यादा बेलगाम जिले से हैं। बेलगाम से तकरीबन 51,000 से भी ज्यादा लोगों ने अर्जी दाखिल किए। नज्म जब्त से इस फौजी भर्ती का इजलास शुरू हुआ। 15 फरवरी तक फौज भर्ती जारी रहेगी। हर रोज 4,800 अपराधों की भर्ती की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।